अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और इस अशरे के अंदर आप दो दुआओं का ख़ास तौर से एहतिमाम करना। बहुत प्यारी दुआ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबे कदर के मौके पर पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं आज की रात अल्लाह से क्या मांगूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को ये दुआ सिखाई थी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ू अन्नी। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ू अन्नी। ए अल्लाह, आप माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। कितनी बेहतरीन दुआ है। एक तो शब कदर है, इतनी मुबारक रात है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकली हुई ये दुआ है। तो आप भी इस दुआ को शब कदर में ख़ास तौर से मांगना। और इसके साथ साथ इस पूरे अशरे के अंदर, चूँकि ये जहन्नम से खुलासी का, आज़ादी का अशरा है, तो अल्लाह से इन अल्फाज में दुआए करना जो आपको ये भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए, याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह, जहन्नम से मेरी हिफाजत फरमा, मुझे आज़ादी अता फरमा। दोस्तों, ये दोनों दुआएं हमेशा के लिए याद कर लीजिए और दीन को फैलाने में हमारा तआवुन कीजिए। इस दुआ को, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए।